कुंभ राशि और यानी कि एक्वेरियस के लिए फरवरी 2020 का ये महीना कैसा रहेगा। अब मैंने इसमें लिखा है कि कुछ पिछले जन्म की यादें अब भी आती हैं और लोग भी, इसका आपकी फरवरी से क्या कनेक्शन है इसके बारे में अवश्य बात करेंगे। और जो लोग बाग वैलेंटाइंस डे के राशिफल ढूंढ रहे हैं उनके लिए मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी आपका राशिफल वैलेंटाइंस डे का पोस्ट किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं आपके फरवरी के महीने के राशिफल के बारे में। शुरुआत करते हैं आपकी यात्राओं से। और यात्राओं के से के संबंध में फरवरी में ये है कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा आपको यात्राओं से इनसे होने वाला है नहीं। हालांकि बिजनेस से संबंधित कुछ यात्राएं आपकी हो सकती हैं, बट कुछ फ़ायदा आपको इनसे खास कुछ होने वाला नहीं है, रिटर्न कुछ बहुत ही कम निकलेगा। और विदेश की यात्राएं भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं की जाएंगी इस बार। और अगर आप परिवार के साथ में किसी छुट्टी पे या किसी उस पे जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई भी डिफरेंसेस या कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, बिकॉज ऑफ यानी किसी फ्लाइट मिस हो गई, किसी का ट्रेन मिस हो गया या किसी का कुछ सामान छूट गया पीछे, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस महीना कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना हो इस महीना। एक्वेरियस यानी कि अब हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में आपके, यानी कि जो लोग बाग पढ़ने लिखने वाले लोग बाग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये महीना कैसा जाएगा। अब ये महीना देखो भाई थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ा सा मेहनत करने का महीना है। ओके, आप एग्ज़ाम में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं इस महीना। और जो स्टूडेंट्स अपना कुछ नए किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन ढूंढ रहे हैं या सीकिंग, उनको भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस महीना। ओके, और जो लोग बाग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको एडिशनल सपोर्ट की और कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है इस महीना। एजुकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महीना काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ महीना है, जिसमें आपको बहुत सारी आपको सपोर्ट और बहुत सारे आपको एडिशनल जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत इस बार पड़ने वाली है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी आपसे पीछे नहीं रहेगा। अब हम बात करेंगे आपसे पैसे के संबंध में कि इस महीना पैसा कैसा रहेगा आपका एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। अब देखिए इस महीना जो है पैसा बहुत शानदार स्थिति में है और आपको अपने पार्टनर का भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा कुछ भी पैसा कमाने में या कुछ भी धन अर्जित करने में। और किसी दोस्ती में अगर कुछ अगर पैसा आपने उधार लिया हुआ है या दिया हुआ है, पैसे से संबंधित मामलों में आपकी दोस्ती में दरार आ सकती है। ओके, और आपका पैसा उलझ सकता है। अगर आपने खुद से पैसा दिया हुआ है और आपको पैसा वापस चाहिए तो थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा अपने दोस्त के साथ में। ओके, और इस दोस्ती को बचाने का यही एक मात्र तरीका है, या आप राइट ऑफ कर दीजिए या थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। ओके, बट राइट ऑफ करना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहता है अगर मनी का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, या पेशेंस दिखाने में भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अगला हम बात करेंगे करियर के बारे में, यानी कि आपके नौकरी पेशा इनके बारे में कैसा रहेगा। अब कुंभ राशि वालों के लिए 2020 फरवरी का महीना बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मतलब आपके पक्ष में है या बहुत ज़्यादा आपको इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, लेकिन आपका थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन इसमें आ सकता है। आपके कार्यस्थल पर हो सकता है आपको कुछ नया चैलेंज मिल रहा हो, आपको हो सकता है वहाँ पे कोई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, तो आपको जो है थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन वहाँ पर आ सकता है। और आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि क्रेडिट कोई और ही लेके जा रहा है। ओके, तो अगर लेकिन अगर आप एक सही मायनों में अगर अपने कार्यस्थल पर अगर आप सोशल जो सिस्टम सोशल नेटवर्क है आपके आसपास अगर आप उसकी सहायता लेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक बात समझ लीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि वालों कि आपकी जो राशि है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा मैच्योर है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी है और सबसे ज़्यादा मैच्योर है।
तो इस बात का आप अपने करियर के फ्रंट पर आप थोड़ा सा फ़ायदा इससे ले सकते हैं। ओके, आप कनेक्शन बना पाने में सफल होंगे और अपने किसी को भी आप समझा सकते हैं जो भी आप समझाना चाहते हैं अपने ज्ञान के थ्रू। अब अगला हम सेक्शन है इसमें, अगला हमारे पास सेक्शन है वो है हेल्थ का, यानी कि स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य अच्छा है आपका इस महीना। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो आप इस महीना आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेंगे, और अगर कोई लंबी बीमारी चल रही है तो उससे भी आपको परमानेंट रिलीफ मिलने की संभावना है इस महीना। और छोटी मोटी दिक्कतें आएँ, खांसी जुकाम बुखार या कुछ इस तरह की दिक्कतें आएँ, तो उनको आप डॉक्टर को दिखा करके मदद ले सकते हैं। इस महीना जो जो सारी जो स्थिति है या जो पूरा जो स्थिति है वो बेसिकली एक तरीके से अच्छी स्थिति में बोलूँगा। स्वास्थ्य के हिसाब से कोई कष्ट मुझको दिखाई नहीं पड़ता है। अब अगला जो सेक्शन है हमारे पास में वो है फैमिली का सेक्शन, यानी कि परिवार का सेक्शन। परिवार इस महीना कैसा रहेगा? परिवार के अफेयर थोड़े से दिक्कत हो सकती है, किसी बड़े अपनी से बड़ी उम्र के आदमी के साथ में आपका वाद विवाद हो सकता है और उससे झगड़ा बढ़ते बढ़ते काफ़ी हद तक परेशानी में आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे और थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे चीज़ों को तो दिक्कत आपको कम होगी। और ध्यान रखिए कि जो भी आपके आसपास का माहौल है फैमिली में उस पर बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़े कुछ बहुत ज़्यादा, और थोड़ा उनका जो है पढ़ाई लिखाई थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। और जो भी आपके आसपास जो भी ये कंसर्न्स हैं लोग वाओं के, उनको आपको एड्रेस करना चाहिए टाइम रहते हुए। एक राय है यही कि आप एड्रेस करें और किसी बड़े आदमी की सहायता लें अपने इन मामलों को सुलझाने के लिए। अब हम बात करेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में, जो अब हम इस मुद्दे पर भी आएंगे जो हमने लिखा था यहाँ पर कि कुछ पिछले जन्म की यादें अब भी आती हैं और लोग भी याद आते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो एक्वेरियस यानी कि जो कुंभ राशि है उनका पुनर्जन्म पक्का होता है। ओके, अब इस महीना क्योंकि आप जो है पिछले जन्म का ज्ञान इस जन्म में भी कैरी करते हैं, तो काफ़ी हद तक संभव है कि आपके बचपन में आपको बहुत सारी ऐसी यादें भी आई होंगी जिनका इस जन्म से आपका कोई कनेक्शन है नहीं। फरवरी के महीने में हो सकता है वो यादें थोड़ी सी आपको फिर से आए। आप बैठे हुए हैं, अचानक से आपको याद आए कि अभी ये होने जा रहा है या वो होने जा रहा है, या आपकी इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त है। तो इसलिए, और ये है कि कुछ पिछले जन्म की यादें अब भी आती हैं और लोग भी याद आते हैं, लेकिन आपको कोई कनेक्शन समझ नहीं आता इनके साथ में। लेकिन आपका दिमाग, लेकिन अगर आप ट्रस्ट करेंगे डेस्टिनी पर तो किसका कनेक्शन अवश्य आपको पता लगेगा। लेकिन ये जो फरवरी के महीने में लव और रिलेशनशिप का जो मामला है ये किस प्रकार से रहने वाला है कि आप एक अच्छे तरीके से आप अपने जो भी आपके पार्टनर हैं उनको आप अच्छा रखेंगे इस महीना, और आप डोमिनेंट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन डोमिनेंट होना ठीक नहीं है। ओके, और पहले हफ्ते के बाद सेकेंड वीक में वैलेंटाइंस डे आते आते आप बड़ी अच्छी स्थिति में होंगे। ओके, और जो बेसिकली जो लोग बाग अकेले रहते हैं या जो अकेले हैं सिंगल हैं वो किसी रिलेशनशिप में जाने की सोचेंगे। ओके, और कोई रिलेशनशिप टेम्पोरेरी भी हो सकते हैं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा या अच्छा टाइम बुरे टाइम पर हावी होगा और अच्छा टाइम जो है वो प्रिवेल करेगा, बेसिकली अच्छा टाइम जारी रहेगा आपके लिए। और ये जो पिछले जन्म की जो यादें हैं या पिछले जन्म के जो लोग और जो प्लेस समय स्थान ये जो याद आते हैं आपको, ये भी आपको एक ये दीज आर सोर्स ऑफ बेसिकली काइंड ऑफ एन हैप्पीनेस फॉर यू। इनमें कोई भी बुराई नहीं है किसी प्रकार की। ओके, तो आपका ये जो फरवरी का महीना है ये काफ़ी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत लगती नहीं है यहाँ पर। और अगर आप कोई वैलेंटाइंस डे के अगर आप राशिफल ढूंढ रहे हैं तो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ अपने चैनल पर, आप उनको भी देख सकते हैं यहाँ पर आकर के। और जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो astrobing101@gmail.com पर ईमेल भेजकर आप
पता कर सकते हैं, आपकी कुंडली फ्री में देखी जाएगी। और आप अपने प्रश्न भी भेज दीजिए उसी ईमेल आईडी पर। ओके देन, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फरवरी 2020। मे यू हैव अ वेरी गुड मंथ। एंड इसी के साथ में मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। स्टे इन टच एंड ऑल राइट देन, टेक केयर, बाय बाय।